डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि फतेहाबाद से है, जहां पर एक महीने से लापता छात्र नेता पुनीत मांझू का शव राजस्थान के जैसलमेर से बरामद हुआ है, जहां पर हाथ पर एक बने मॉम टैटू से पहचान की गई है। सबसे बड़ी बात है कि परिवार की ओर से पुलिस को गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जो कि अपने एक दोस्त के साथ लापता हो गया था, जो कि पहले से काफ़ी राजनीति में, छात्र नेताओं की राजनीति में सक्रिय विनीत मांझू, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए थे, उनके बाद उनके माता पिता की ओर से गुमशुदा की रिपोर्ट दी गई थी। और अब फतेहाबाद से करीब महीने भर से लापता छात्र नेता विनीत मांझू का शव राजस्थान जैसलमेर के राजस्थान केनाल नहर से बरामद हुआ है, जिसमें शव जिस हालत में मिला है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हत्या कर उसके शव को खुदबुद करने के लिए उसे फेंका गया था, क्योंकि शव के साथ एक 20 किलो का लोहे का बाट बंधा हुआ था ताकि डेड बॉडी कभी भी ऊपर ना पाए। तो ये पुलिस इसको मानकर ये चल रही है कि ये एक मर्डर किया गया है, यानी कि एक हत्या करके शव को फेंका गया है। परिजनों ने उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसके हाथ पर बने टैटू से परिजनों ने उसकी पहचान की है। अग्रोहा में नहर के पास से फ़ोन मिला था। फतेहाबाद के गाँव खजूरी जाट निवासी विनीत मांझू 22 जनवरी से घर से लापता था। उसके पिता पृथ्वी सिंह ने उस दिन पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बेटे को बिडराना निवासी गौरव, धारनिया निवासी सुनील अपने साथ ले गए थे। चूंकि गौरव उनके बेटे का दोस्त है, पहले से उनके घर आता जाता रहा है। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो विनीत का मोबाइल फोन है वो अग्रोहा के पास एक नहर से मिला था। पुलिस गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी थी। राजस्थान के नोख में ये शव मिला है। वहां पर भुना थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया है कि राजस्थान के जैसलमेर के फलोदी क्षेत्र से 23 किलोमीटर दूर नोख में एक युवक का शव मिला। शव के गले में 20 किलोग्राम लोहे का बाट बंधा था और बोरे में डालकर फेंका गया था शव को। युवक के हाथ पर मोम डैड का एक टैटू भी छपा है। शव मिलने की सूचना के बाद फतेहाबाद पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, संपर्क किया और परिजनों ने उसी टैटू के आधार पर उसकी, जो कि शनाख्त विनीत मांझू के रूप में की है। दोस्त का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, क्योंकि फतेहाबाद पुलिस विनीत के परिजनों को लेकर राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल उसके साथ गए दोस्त गौरव का भी अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर परिजनों के बयान दर्ज करेगी, आगामी कार्रवाई की जाएगी और पुलिस उसके साथ गौरव और सुनील को भी तलाश कर रही है। मृतक विनीत है वो छात्र राजनीति में सक्रिय था। कुछ समय पहले इनेलो की छात्र इकाई ISO का प्रधान भी रह चुका है। माना जा रहा है कि किसी बात को लेकर उसकी हत्या को शव को खुदबुद करने का प्रयास है वो किया गया। तो एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जो कि छात्र नेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, यानी कि एक शव मिला है और ये पुलिस मानकर चल रही है कि उसकी हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंका गया है। और सबसे बड़ी बात है कि लोहे का एक बाट भी साथ में बांधा गया है ताकि डेड बॉडी कभी भी ऊपर तैर कर ना सके। ये पुलिस इसको मानकर एक हत्या का अंदेशा जता रही है कि किसी बात को लेकर हत्या की गई है। लेकिन इस पूरे राज्य से पुलिस अपनी गहनता से तहकीकात करेगी, तमाम लोगों के बयान दर्ज कर वहाँ पर किए जाएंगे और रिपोर्ट जब विसरा की आएगी उसके बाद पता चलेगा आखिर मौत किस वजह से हुई, कैसे उसकी मौत हुई। तो तमाम बड़ी बातें हैं जो पुलिस इनको जानना चाहती है, आप लोग जानना चाहते हैं। मगर हम आपको बड़ी अपडेट ये बता रहे हैं कि फतेहाबाद से लगभग एक महीने से लापता छात्र नेता विनीत मांझू का शव राजस्थान के जैसलमेर के समीप बरामद हुआ है और जहां पर हाथ पर बने मॉम डैड के टैटू से पहचान की गई है और बहुत ही शातिरना तरीके से, यानी कि हत्या को अंजाम दिया गया और जिस तरीके से डेड बॉडी हासिल हुई है उसको देखकर ऐसा प्रतीत लगता है, क्योंकि एक लोहे के 20 किलो का वाट साथ में बांधा गया, एक बोरे में शव को डाला गया, क्योंकि मनसा इसके पीछे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रही है कि शव कभी भी पुलिस के हाथ ना लगे। लेकिन पुलिस को अब इसमें आगे तमाम सबूतों को जुटाना होगा, गहनता से जांच करनी होगी ताकि पुलिस इस हत्या की गुत्थी को सुलझा पाए। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।